हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे कार्बन और कार्बन के यौगिकों के बारे में। सबसे पहले कार्बन की जो प्रॉपर्टीज होती है उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो अन्य गुण होते हैं कार्बन के, श्रृंखलन प्रवृत्ति जिसको हम कैटेनेशन या आइलोट्रोपी अपरूपता कहते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे और आगे के भाग में पढ़ते जाएंगे आगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि यहाँ पे जो कार्बन होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहले कार्बन के बारे में जो बेसिक नॉलेज होता है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे कार्बन का जो बेसिक नॉलेज है वो यहाँ पे 5 पॉइंट में दिया गया। तो सबसे पहले यहाँ बताया गया कि जो कार्बन है वो आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त का तत्व है, क्योंकि हम देखते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, मतलब लिथियम से दूसरा आवर्त शुरू होता है तो दूसरे आवर्त का है तथा 14वें वर्ग का तत्व होता है। तो काशी जी शंकर पार्वती जो होता है ये 14वां क्या होता है, वर्ग होता है। तो 14वें वर्ग का तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है। चूंकि हम इसको 12 लिखते हैं लेकिन ये 12.0176 के आसपास होता है, तो यहाँ पर हम ओवरऑल 12 लिख देते हैं। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब कि कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन कौन से कक्षक में किस प्रकार से भरे हुए हैं, तो वो होता है 1s2, 2s2, 2p2। इसकी सामान्य अवस्था में जो हम कह सकते हैं इसकी संयोजकता होती है वो 4 होती है, मतलब ये अधिकतम संयोजकता 4 दर्शा सकता है। लेकिन बाह्य कक्षक में अधिकतम जो बाह्य कक्षक है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन इसके होते हैं, क्योंकि 1, 2s और 2p जो आ जाता है, तो बाह्य कक्षक जो होता है वो उसके अंदर 2 होती है सामान्य अवस्था, लेकिन ये विशेष अवस्था में 4 या अधिकतम जो संयोजकता होती है वो 4 को दर्शाता है। इसके बाद कार्बन एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध का निर्माण करता है और इनकी सहायता से ये नए यौगिकों का निर्माण भी करता है। और कार्बन की संरचना जो होती है वो चतुष्फलकीय होती है, चतुष्फलकीय जिसको हम कह सकते हैं रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, ये संरचना मैंने यहाँ पे बना रखी है। तो कार्बन की संरचना चतुष्फलकीय होती है जिसमें एक चतुष्फलक के चारों संयोजकता पूर्ण होती है। एक चतुष्फलक पर चारों संयोजकता किस प्रकार से कि 1, 2, 3, 4, 5 ये कार्बन है तो 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से संयोजकता पूर्ण करता है। और किन्हीं दो बंधों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, जो यहाँ पर बॉन्ड एंगल जिसको हम कहते हैं बंध कोण, वो 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास होता है, तो ये बंध कोण कहलाता है। तो कार्बन की जो संरचना होती है चतुष्फल की होती है, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन होती है। दूसरा, इसके अंदर चतुष्फल पे सभी संयोजकता कंप्लीट करता है और इसका जो बंध कोण होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। अब ये किस प्रकार से जो नए यौगिकों का निर्माण करता है वो हम देखते हैं। तो ये एकल बंध, जैसे यहाँ पे CH4 लिखा हुआ मेथेन जो होता है, एक आपने CCl4 के बारे में, कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में पढ़ा होगा जिसमें हाइड्रोजन के सभी की जगह क्या होता है, क्लोरीन होती है। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है वो निर्माण करता है जिसके अंदर सभी क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं या फिर डबल बॉन्ड बना सकता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कीटोन टाइप से। तो यहाँ पे इस टाइप से डबल बॉन्ड जिसके अंदर 2 सिंगल बॉन्ड या 2 सिंगल बॉन्ड और 1 डबल बॉन्ड होगा या दोनों तरफ डबल बॉन्ड हो सकते हैं, इसको बोलते हैं एकल द्विबंध और इसको बोलते हैं द्विद्विबंध संरचना। तीसरा होता है कि यह त्रिबंध बना ले, जैसे कि यहाँ पे आपको हाइड्रोजन साइनाइड के बारे में दिखाई दे रहा है, तो एक बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड बना के या क्या बोले त्रिबंध बना के यौगिकों का निर्माण कर ले। और चतुष्फल की संरचना इसकी होती है, इस प्रकार से संरचना बनाता है। लेकिन कार्बन जो होता है सिर्फ इतने से नहीं, सिंगल बॉन्ड से बहुत लंबी लंबी संरचनाएं बनाता है। जैसे फ्लोरीन के बारे में हम पढ़ते हैं तो कार्बन C16 सबसे स्थाई फ्लोरीन जो होता है, C17 पेट्रोल जो होते हैं, डीजल जो होते हैं, ये उच्च कार्बनिक श्रृंखला के यौगिक होते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि कार्बन के अंदर ये प्रवृत्ति होती है कि वो बहुत ही लंबी लंबी संरचनाएं बना सकता है, जिसके अंदर जिसको हम कहते हैं श्रृंखलन प्रवृत्ति, कैटेनेशन पावर। तो कार्बन का एक से अधिक कार्बन अणुओं के साथ मिलकर शाखित मतलब जिसके अंदर ब्रांचेस होती हैं, जैसे ये ब्रांचेस आपको दिखाई दे रही है। अशाखित मतलब जैसे सिंपल यहाँ पे एक सिंपल संरचना बनाते जाए या एक लाइन में, जैसे ब्यूटेन का होता है, ब्यूटेन के हालांकि बहुत सारे समामयी भी होते हैं, तथा चक्री संरचना जैसे बेंजीन के अंदर होती है, अचक्री संरचनाएं भी बनाता है, अचक्री में अशाखित शाखित आ जाते हैं। तो यौगिकों का निर्माण का जो गुण होता है ये कार्बन के अंदर बहुत ज़्यादा होता है और यह विशेषता कार्बन के अंदर ही ज़्यादा होता है, इसलिए हम देखते हैं प्रकृति के अंदर ज़्यादातर तत्व कार्बन के होते हैं, क्योंकि वो अधिक से अधिक टाइप की संरचनाएं बनाता है और अधिक से अधिक कार्बन अणुओं को जोड़ के नए नए तत्वों का निर्माण करता रहता है, नए नए यौगिकों का निर्माण करता है। इस गुण को हम बोलते हैं श्रृंखलन गुण। कार्बन का एक से अधिक कार्बन अणुओं के साथ मिलकर शाखित, अशाखित तथा चक्रीय यौगिकों के निर्माण का जो गुण होता है उसे हम क्या कहते हैं, श्रृंखलन गुण कहते हैं। इसके बाद कार्बन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे एक होती है एलोट्रोपी। अब एलोट्रोपी क्या चीज होती है वो देखते हैं।
एलोटोपी जिसको हम अपर रूपता कहते हैं। अपर रूपता का मतलब ये होता है कि कोई एक तत्व प्रकृति में कितने प्रकार से पाया जाता है। तो एक ही तत्व अगर बहुत सारे रूपों में पाया जाता है तो वह जो तत्व होते हैं वो अपर रूप तत्व कहलाते हैं, तथा उस तत्व का यह गुण अपर रूपता एलोट्रोपी कहलाता है। एलोट्रॉप्स वो जो एलिमेंट्स होंगे या जो कंपाउंड्स होंगे वो एलोट्रॉप्स कहलाएंगे, और जो वो नेचर होगा उस एलिमेंट का उसे हम क्या बोलते हैं, एलोट्रोपी कहते हैं। तो प्रकृति में जब कोई तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जाता है तो उन तत्वों को अपर रूप तथा इस घटना को अपर रूपता कहते हैं। तो अपर रूपता कितने प्रकार की होती है ये हम आगे देखेंगे। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए कार्बन के अपर रूप और उनके गुणों के बारे में जान लेते हैं। तो कार्बन के जो मुख्यतः अपर रूप होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है क्रिस्टलीय अपर रूप, दूसरा होता है अक्रिस्टलीय अपर रूप, जिनके बारे में आपने देखा होगा लेकिन जानते नहीं कि ये किस प्रकार के अपर रूप है। तो क्रिस्टलीय अपर रूप जो क्रिस्टल के रूप में होते हैं, इनके बारे में मुख्यतः एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये होते हैं हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। हम देखते हैं हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। फुलेरिन आपने देखा नहीं होगा लेकिन ये सभी क्या होते हैं, क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं, इसलिए इनको क्रिस्टलीय अपर रूप कहते हैं। जिनको फोड़ने पर क्रिस्टल निकलते हैं उन्हें क्रिस्टलीय अपर रूप कहते हैं, जैसे नमक एक क्रिस्टल होता है। अक्रिस्टलीय अपर रूप, अक्रिस्टलीय अपर रूप में आपने कोल मतलब कोयला आपने देखा होगा, कोक, अगर आप लकड़ी जला देते हैं तो उसके अंदर जो काला काला पदार्थ बचता है अगर अधजली लकड़ी हो तो कोक कहलाता है। काजल आपने देखा ही होगा, गैस कार्बन, जो गैसियस कार्बन होता है वो क्या होता है, CO2 जिसको हम कहते हैं। इसके बाद काष्ठ चारकोल, लकड़ी को जलाने के बाद जो बचा हुआ भाग होता है उसे काष्ठ चारकोल कहते हैं, या जंतुओं के अवशेष जो बच जाते हैं जमीन के अंदर दबे हुए हैं जिनको निकाला जाता है, या फिर अगर जंतु जल जाए तो उनका जो बचा हुआ काला पदार्थ होता है वो जंतु चारकोल कहलाता है। तो ये क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय रूप होते हैं। अब इनके बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं। हम यहाँ पे क्रिस्टलीय अपर रूपों के बारे में ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है हीरा। हीरा आप सभी पहचानते हैं, इसका उपयोग आपने कांच कटर के रूप में होता होगा क्योंकि बहुत ही कठोर होता है, तो कांच कटर के रूप में पत्थरों को काटने में, गहने आभूषण में, फोनोग्राफ की सुई, फोनोग्राफ की जो सुई होती है काफ़ी कठोर बनाई जाती है ताकि वो अच्छे से वहाँ पे भेद सके किसी चीज़ को। तो यहाँ पे जो हीरा होता है, तो ये तो उपयोग हो गए। यहाँ पे हीरा जो होता है कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है, मतलब अगर हीरे को जला दिया जाए तो उसका कुछ भी अवशेष नहीं बचेगा, वह पूरा का पूरा कार्बन में परिवर्तित हो जाएगा। दूसरा, इसके अंदर जो बंध कोण या बंध दूरी होती है 1.54 होती है। आप हीरे की जो संरचना है साइड में देख सकते हैं, वहाँ पर चल रही होगी। तो बंध कोण जो होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। गलनांक मतलब इसको अगर गलाया जाए या इसका अगर इसको गलाना चाहे, मतलब इसका कोथनांक क्या गलाना हो तो इसके लिए 3843 केल्विन का ताप चाहिए होता है। इसके अंदर से अगर आप 273 माइनस कर दो तो डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा। दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फल की संरचना होती है, जैसा कि आपके साइड में चल रहा है वहाँ पर आप देख सकते हैं। और अत्यधिक कठोर होता है, ये कठोर होता है इसलिए हमने यहाँ पे देखा कांच कटर के रूप में, और पत्थरों या चट्टानों को काटने में इसका ही प्रयोग किया। आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियो जिसके अंदर कांच की टेबल बने रहती है, उसके चारों ओर किस प्रकार से उसको काटना है, वो काटने के लिए निशान बनाए जाते हैं, तो वो हीरे के ही उसके अंदर नोक लगाई जाती है। तो अत्यधिक कठोर होने के कारण विद्युत का कुचालक होता है, मतलब इसके अंदर विद्युत प्रवाह नहीं होता है, विद्युत का कुचालक होता है। तो ये हीरे के बारे में हमने पढ़ा, ये उपयोग और हीरे के जो गुण होते हैं और जो संरचना है वो पूछ ली जाती है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद हम शुरू करते हैं ग्रेफाइट के बारे में। तो यहाँ पर जो ग्रेफाइट है उसके बारे में देखिए, सबसे पहले क्या है, इसके अंदर जो बंध दूरी होती है, संरचना जो है आपकी साइड में चल रही होगी, आप वहाँ पर जाके साइड में देख सकते हैं संरचना। तो ग्रेफाइट में जो बंध दूरी होती है 1.4-1.5 PM, ये क्षैतिज रूप से जो ऊपर से नीचे एक दूसरे के कार्बन के बाद में जो सबसे कम दूरी होती है वो 1.41 picometer होती है, जबकि ऊपर से नीचे दो फलकों के बीच में जो दूरी होती है कार्बन कार्बन 154 picometer की होती है। इसकी जो संरचना होती है षटकोणीय, आप देख रहे होंगे षटकोणीय संरचना दिखाई दे रही है, षटकोणीय वलय संरचना, क्योंकि गोल गोल संरचना आपको षटकोणीय रूप में दिखाई दे रही होगी। ठोस किंतु मुलायम होता है, आप जानते हैं जो पेंसिल होती है उसका जो नीब होता है वो कितनी मुलायम होती है, चिकनी होती है, अगर उसके ऊपर कुछ देर तक आप उंगली रगड़ते हैं तो चिकना लगने लगता है। चमकीला भी होता है क्योंकि आपको चमक उसके अंदर दिखाई देती है। तो ठोस किंतु मुलायम संरचना होती है, विद्युत का सुचालक होता है, एकमात्र जिसको हम अधातु कह सकते हैं जो विद्युत का सुचालन करता है, इसलिए इसको अपवाद माना जाता है, एक्सेप्शन इसको कहते हैं। चिकना तथा स्नेहिल चमकीला होता है, चिकना होता है हम देखते हैं जानते हैं पेंसिल की नोक कैसी होती है, स्नेहिल
चूंकि स्नेहिल होता है इसलिए इसका उपयोग स्नेहक के रूप में, स्नेहक मतलब ग्रीस जो होता है उसके रूप में, चमकीला होता है इसका जो गुण होता है, तो इसका उपयोग पेंसिल में किया जाता है क्योंकि ग्रेफा शब्द का ही अर्थ होता है, ग्रेफाइट जो होता है ग्रेफा शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ ही होता है लिखना, तो ग्रेफाइट का प्रयोग जो होता है वो शुरू शुरू में पेंसिल या फिर लिखने के काम में किया जाता था। पेंसिल, स्नेहक जिसको हम बोलते हैं ग्रीस लगाना, या स्नेहक जो चिकना चिकना करने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको स्नेहक कहा जाता है, तो इसके रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोड के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है जो सेलों के इलेक्ट्रोड होते हैं। पॉलिश, चिकना होने के कारण, चमकीला होने के कारण पॉलिश के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में, क्योंकि ये जो होते हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स को सॉरी न्यूट्रॉन्स को क्या होता है अवशोषित कर लेते हैं, तो इनका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में जो मॉडरेट कर दे मतलब कम कर दे किसी भी अभिक्रिया को, मंदक के रूप में किया जाता है। इसके बाद फुलेरिन, इसके बारे में आपने ज़्यादा नहीं पढ़ा होगा लेकिन ये सर ये भी क्या है, जो कार्बन होता है उसका अपर रूप होता है, एलोट्रोप होता है, और इसका जो नाम है अमेरिकी वास्तुकार के नाम बकमिस्टर फुलर के नाम पर फुलेरिन रखा गया था। इसके अंदर जो कार्बन संरचना होती है C17 C16 तक के, मतलब 60 से 70 कार्बन तक आपस में जुड़ के नई नई संरचनाएँ बनाते हैं। इसकी जो संरचना होती है फुटबॉल के समान होती है जिसको हम बकीबॉल भी कहते हैं, बकीबॉल संरचना भी कहते हैं, जैसा कि संरचना आपके साइड में चल रही होगी आप वहाँ पर देख सकते हैं। 20 इसके अंदर जो फुटबॉल की जो संरचना होती है आपने देखा होगा, फुटबॉल को कभी देखिए तो उसके अंदर क्या होते हैं षटकोण जैसे बना रहता है, पंचकोण बना रहता है, तो इसके अंदर 20 फलक पर षटकोणीय तथा 12 फलक पर पंचकोणीय संरचना होती है। बंध लंबाई जो होती है 1.40 एंगस्ट्रॉम होती है। विद्युत का कुचालक होता है। और C60 सर्वाधिक स्थायी फुलेरिन होता है जिसके अंदर कार्बन 60 के 60 कार्बनों से मिलकर जो फुलेरिन बना होता है वो काफ़ी स्थायी होता है, इसलिए उसको उसके वास्तुकार के नाम पर बकमिस्टर फुलेरिन नाम दिया गया है। इसका उपयोग आपको आणविक बेरिंग के रूप में किया जाता है। बेरिंग क्या होता है आप लोग समझते हैं, लेकिन आणविक बेरिंग मतलब जो भी आणविक संरचनाएँ होती हैं या फिर जो आणविक अभिक्रियाएँ होती हैं उनके अंदर उपयोग किया जाता है आणविक बेरिंग के रूप में। प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण के लिए, जो नेचुरल गैसेस होती हैं CNG हो गया, इन सब के शुद्धिकरण के लिए बकमिस्टर फुलेरिन या फिर फुलेरिन का प्रयोग किया जाता है। तो इस वीडियो में हमने देखा कार्बन के अपर रूप, कार्बन क्या होता है उनके गुणों के बारे में पहले पढ़ा था, और उनके अपर रूपों के जो गुण होते हैं उपयोग होते हैं उन सभी के बारे में हमने पढ़ा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।